इंदौर में सफाई कर्मी अवकाश पर थे तो जनता और जनप्रतिनिधियों ने सफाई का जिम्मा संभाला। जी हां, जनता ने सुबह सुबह हाथों में झाड़ू उठाई और शहर की सफाई कर दी। वहीं जनता के जोश को देखते हुए मंत्री जयवर्धन सिंह भी खुद को रोक नहीं पाए और उन्होंने विधायक विशाल पटेल के साथ सड़क पर झाड़ू लगाई और सफाई का संदेश दिया। देखिए इस रिपोर्ट में। स्वच्छता में देश में नंबर वन इंदौर के निवासियों में साफ सफाई को लेकर कितनी जागरूकता है, इसका नजारा रविवार को नजर आया। दरअसल वीर गोगादेव की जयंती वाल्मीकि समाज ने धूमधाम से मनाई, जिसके चलते वे रविवार को छुट्टी पर थे। उनकी अनुपस्थिति में शहर की सफाई के लिए सैकड़ों हाथ आगे आए। निगम अफसरों के साथ समाजसेवी संगठनों ने झाड़ू थाम कर प्रमुख बाजार व मार्गों की सफाई की। शहर के सभी जोनल कार्यालय क्षेत्र में यह अभियान चलाया गया। वहीं जनता के जोश को देखते हुए नगरीय प्रशासन मंत्री जयवर्धन सिंह भी अपने आप को रोक नहीं पाए। उन्होंने भी विधायक विशाल पटेल के साथ सड़क पर झाड़ू लगाई और सफाई का बड़ा संदेश दिया। हमारे पूरे मध्य प्रदेश में सभी हमारे सफाई मित्र गंगा होमी के कारण जो वो मनाते हैं, तो आज उसकी छुट्टी भी थी और सभी जो हमारे पूरे मध्य प्रदेश पे सभी शहरों में जो सफाई मित्र हैं आज वो छुट्टी पे हैं, तो इसलिए हमने तय किया कि आज आप देख रहे हैं कि इंदौर के वार्ड क्रमांक 16 में देपालपुर के विधायक विशाल पटेल भी मौजूद हैं, हमारे नेता प्रतिपक्ष फौजिया शेख अलीम जी और सभी और भी हमारे यहाँ के नेतागण उपस्थित हैं, सुबोध शुक्ला जी उपस्थित हैं, तो सब ने मिलकर आज यहाँ पर सड़कों पर सफाई की। क्योंकि हमको भी इस बात का एहसास होना चाहिए कि जो हमारे सफाई मित्र जो 365 दिन लगातार हर शहर को स्वच्छ रखते हैं, निरंतर सफाई करने के लिए हर मोहल्ला साफ रखते हैं और जिनके कारण पूरे देश में इंदौर सबसे स्वच्छ शहर जिसका पुरस्कार मिला है, तो कहीं ना कहीं हमको भी जब वो एक आध दिन कभी सभी समाज के लोग छुट्टी लेते हैं वाल्मीकि समाज के, तो कहीं ना कहीं हमारा दायित्व बनता है कि हम ऐसे दिन पर सड़क पर उतरकर सफाई करें ताकि अच्छा एक संदेश जाए। वहीं सफाई मित्रों के अवकाश पर होने से शहर की सफाई व्यवस्था प्रभावित न हो, इसलिए निगम जनप्रतिनिधियों, सामाजिक संगठनों, व्यावसायिक संगठनों, विद्यार्थी, बैंकिंग संगठनों, रहवासियों, एनजीओ ने रविवार को सफाई में श्रमदान किया। वहीं विभिन्न संगठनों के 2000 से अधिक प्रतिनिधियों ने सफाई व्यवस्था में सहयोग किया। नगर निगम के अधिकारियों ने पहले राष्ट्रगान गाया, फिर राजवाड़ा पर सफाई का शुभारम्भ किया। कमिश्नर आशीष सिंह ने हरी झंडी दिखाते हुए सफाई अभियान शुरू की। उनके साथ अपर आयुक्त रजनीश कसेरा भी सफाई करते हुए नजर आए।
कुल मिलाकर निगम के अधिकारियों से लेकर नगरीय प्रशासन मंत्री जयवर्धन सिंह तक सफाई कर पूरे देश को संदेश दिया है कि कोई काम बड़ा या छोटा नहीं होता। साथ ही यह भी बता दिया कि आखिर इंदौर देश का सबसे स्वच्छ शहर क्यों है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, इंदौर।